लूजर बनेगा विनर वेट लॉस कंपटीशन सीजन 2 की शुरुआत दिनांक 1 अगस्त 2023 से शुरू होने जा रहा है। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन को नेचुरल तरीके से घटाना चाहते हो? क्या आप अपने सेहत को मजबूत और अच्छा बनाना चाहते हो? तो आप संपर्क करें एकमात्र फिटनेस क्लब प्रणाल्स फिटनेस क्लब अबाउ एक्सिस बैंक जरीपटका रोड नागपुर। प्रवेश देना शुरू है, संपर्क करें प्रणाल लांजेवार। मोबाइल नंबर 9922133411। नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। आखिरकार लगभग 4.5 वर्ष के इंतजार के बाद बुधवार यानी 19 जुलाई से टेकड़ी फ्लाईओवर को गिराने की शुरुआत हुई। महामेट्रो की तरफ से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में मानस चौक से लेकर तो दुकान नंबर 60 तक की दुकानों के हिस्से के फ्लाईओवर को ढाया जाएगा। उसके बाद दुकान नंबर 60 जयस्तंभ चौक तक के हिस्से को गिराया जाएगा। फ्लाईओवर को ढहाने के बाद सीमेंट कंक्रीट की 6 लेन तैयार की जाएगी, जो कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को काफी सहायता प्रदान करेगी। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनके फ्लाईओवर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नागरिकों के 16 करोड़ 34 लाख रुपए हुए जमीन दोस्त में आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम गणेश टेकड़ी के उस पुलिया के पास है जो 2008 में इस पुलिया का निर्माण हुआ था, जिसे आज जमींदोज किया जा रहा है। मनपा ने इसके लिए पूरी परमिशन दी और महामेट्रो की तरफ से इस पुलिया को गिराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर 175 दुकानों का निर्माण किया गया था। इतना ही नहीं तो 16 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से बनाया था ये पुल, जिसका अगर हम इसकी लेंथ बताना चाहे तो 812 मीटर ये लंबा पुल था और 10.5 मीटर इसकी विड्थ थी। 2008 में बने इस पुल को पूरी तरह से जमींदोज किया जा रहा है और आज मेट्रो की ओर से यहाँ पूजा भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार का नारियल के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं। ये आज यहाँ पे इसकी पूजा हो चुकी है। कहने का तात्पर्य कि नए पुल के निर्माण के लिए पुराना पुल तोड़े जा रहा है, जिसका आज महामेट्रो की ओर से नारियल फोड़ के इसकी शुरुआत कर चुके हैं। दर्शकों, इस समय में हम गणपति टेकड़ी के उस पुलिया के पास है जो टूटने जा रहा है और यहाँ आज मिठाई बांटी जा रही है। कौन से डिपार्टमेंट से क्या कहना चाहते हो? हमारा मत्स्यान एसोसिएट से काम चल रहा है। अभी इसका जो तोड़ने का काम
पैरामीटर को लेके ये सब बनाया जाता, वहाँ आप पूरी तरह से क्यों नहीं अच्छे से काम करते हो, बार बार क्यों बनाया जा रहा है? यही सवाल लोगों के मन में, विकास हो रहा है, यातायात का है, क्योंकि नागपुर शहर की अगर मैं जनसंख्या की बात करूँ तो 50 लाख के आसपास है, ऑफिशियल अगर आंकड़ा बताऊंगा तो 30-35 है, लेकिन अनऑफिशियल 50 लाख के ऊपर में आज इस नागपुर शहर की जनसंख्या है। रोड कम गिर रहे हैं, वाहन बहुत बड़ी संख्या में है, पुलिया का निर्माण भी हो रहा है, यातायात को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अब ये गणेश टेकड़ी का ये वही पुल है जहाँ लिखा हुआ है गणेश टेकड़ी मंदिर रेलवे स्टेशन उड़ाल पुल नागपुर, ये जो लिखा गया अब इसको जमीन दोज करते हुए महामेट्रो के लोग दिखाई दे रहे हैं, और बहुत जल्द इसके जगह में एक नए पुल का निर्माण होगा, सुचारू ढंग से यातायात चलेंगी और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक बात ही बार बार शहर के लोगों में है कि 4 कंपोनेंट को लेकर 234 करोड़ खर्चा होने वाला है, और वो भी पैसा शहर के नागरिकों का भी होगा। 16 करोड़ 30 लाख 2008 में जो खर्चा हुए थे वो भी शहर के जनता के जेब में से खर्चा हुए, ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए, एक ही समय में अच्छा कामकाज होना चाहिए, तब कहीं शहर का विकास अच्छे से हो रहा है यही कहा जा सकता है। वरना वही बात हो गई कि शासन प्रशासन का सरकार का भाग के 3 पात्र जैसा काम दिखाई दे रहा है, इस और सभी ने ध्यान देने की जरूरत है। नया पुल बनने जा रहा है, यात्रा सुचारू ढंग से चलेंगी, इसीलिए नागपुर शहर के लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन 2008 में जनता के जेब से जो 16 करोड़ 34 लाख रुपए गया उसका हिसाब कौन देगा, ये सवाल भी अब बना हुआ है। नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर से टूटे फूटे पुल के इस प्रांगण से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज नागपुर। लूजर बनेगा विनर वेट लॉस कंपटीशन सीजन 2 की शुरुआत दिनांक 1 अगस्त 2023 से शुरू होने जा रहा है। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन को नेचुरल तरीके से घटाना चाहते हो? क्या आप अपने सेहत को मजबूत और अच्छा बनाना चाहते हो? तो आप संपर्क करें एकमात्र फिटनेस क्लब प्रणाल्स फिटनेस क्लब अबाउ एक्सिस बैंक जरीपटका रोड नागपुर, प्रवेश देना शुरू है, संपर्क करें प्रणाल लांजेवार, मोबाइल नंबर 9922133411।